जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके साथ मैं अपना पढ़ाई भी करूंगी और लड़ाई भी करूंगी, पढ़ाई और लड़ाई दोनों करूंगी आज के दिन में। ऐसा नहीं है दूसरे क्लास या घर में जो बैठे वो भी बच्चे सीख रहे हैं, है ना। तो हर बच्चा, हर आवाम को मैं ये इनवाइट करती हूँ 26 जनवरी को आप आइए उनके साथ खड़े रहने के लिए। एक दिन हमारा सुबह 11 बजे, इतना भी जल्दी नहीं है, सारा काम खत्म करके आ सकते हैं हम लोग। काम खत्म करके 11 बजे नगरेश्वर स्कूल आप सबको आने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। महिला विरोधी कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंकलाबो इंकलाबो इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। जन विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सर सड़कों पे बैठे हैं, वहाँ भी अपना घराना डाल दिए हैं सारे, उनके बच्चे, बीवी बच्चे, सारा कुछ, उनकी पूरे पूरा खानदान वहाँ पे आया है, क्योंकि वो फर्स्ट डे से ये कानून समझ गए। जो केंद्र सरकार 3 कृषि विरोधी काला कानून लाया है, हम उस सारे कानून को, सारे आवाम के बीच में हम उनको जो 3 काले कानून है उनके जो आगे हमारे ऊपर जो असर होगा उन काला कानूनों की वजह से, वो यहाँ पे हम सबको बताने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जो केंद्र सरकार ये कानून लाया है, जो वहाँ दिल्ली के इर्द गिर्द 5 नेशनल हाईवे पे जो किसान लोग बैठे हैं, हम उनके साथ है बोलने के लिए आज ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे रखा है। हम ये कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से, यहाँ पे जो सारे आवाम यहाँ पे बैठे हैं, हम सारे के सारे किसानों के साथ हैं। हम जो वो 3 काले कानून हैं वापस लेने तक हमारा संघर्ष भी हम नहीं रुकेंगे। और इसके साथ ही जो 26 जनवरी को जो वहाँ पे रेड फोर्ट के सामने जो वहाँ पे वो झंडा लहराते हुए जो 26 जनवरी मनाना चाहते हैं, हम वही 26 जनवरी हम अपने किसान लोग, हमारे जो ट्रैक्टर है, जो हम कन्नड़ा में बोलते हैं यत्तिन गाड़ी बोलते हैं जो वो, और हमारे यहाँ जो सिटी में है 2-व्हीलर्स है, साइकिल है, कार है, 4-व्हीलर्स है, जो भी है, हम वो सारे गाड़ियाँ लेकर हम अपना 26 जनवरी हम रास्ते पे ही मनाएंगे, क्योंकि हमारे किसान लोग वहाँ पे पिछले 50 दिनों से रास्ते पे बैठा है। हम यहाँ पे सुकून से अपने घर में नहीं बैठ सकते, हमें इतना तो शर्म करो, जो अभी भी अपने अपने घर में बैठा है, जो किसानों के साथ ठहरने के लिए आज भी थोड़ा भी पीछे हट रहा है, इतना तो शर्म करो कि वही किसान का उगा हुआ दाल चावल आप अपने घर में सुकून से एसी में बैठ के खा रहे हो। अगर उस निवाले का आप इज्जत करते हो तो आप रास्ते पर आओ। हर एक इंसान वो रास्ते पर रहना चाहिए जो निवाला खाता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो निवाला बिना खाए ज़िंदा रहे आज तक। सिर्फ पानी पे ज़िंदा नहीं रहा जा सकता है। इसीलिए मैं हर कलबुर्गी के हर आवाम को मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, 26 जनवरी को आप आइए, सुबह 11 बजे नगरेश्वर स्कूल से शुरू होगा ये अपना परेड, जो किसानों के हित में है, जो खाना खाते हैं वो सारे लोग वहाँ पे आने के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहनाज अख्तर जनवादी महिला संगठन से। आज ये कैंपेनिंग हुआ यहाँ पे मिलत नगर में, यहाँ पे कैंपेनिंग के लिए आई हूँ कि असल में लोगों को जागरूक होना, और ये कृषि काले कानून जो केंद्र सरकार 14 सितंबर 2020 को जो काले 3 कानून लाई है उसके खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं। वो काले कानून सबके लिए नुकसानदायक हैं, सिर्फ किसानों के लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत नुकसानदायक हैं। तो इन तीनों कानून का हम कड़े से विरोध करते हैं। जो पंजाब और हरियाणा के किसान जो फर्स्ट डे से 14 सितंबर से ही वो सड़कों पे उतरे हैं इस काले कानून के खिलाफ, तो हम भी उनका सपोर्ट करते हैं, और जब तक सपोर्ट करते रहेंगे उन किसानों का और वो कृषि कानूनों का विरोध करते रहेंगे तब तक ये सरकार वापस नहीं लेती। सरकार तो वापस लेने के मूड में नहीं है, वो उसमें संशोधन करना चाहती है या उसमें कुछ कम करना चाहती है, वो कुछ जो भी करना चाहती है, लेकिन हम उसमें कम नहीं चाहते हैं। जो भी हमारा जो जैसे कानून है वो कानून हमारे वापस चाहिए, वो जो नया कानून काले कानून लाई है वो कानून हमें नहीं चाहिए।
तो इसके लिए जो 26 जनवरी को परेड होने वाला है, आम गुलबर्गा की सारी आवाम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें बहुत अच्छा मौका है कि हमें 26 जनवरी हम सबको एकजुट होकर मनाना है। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कल 26 जनवरी को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद दिखना है, इनके कानून को वापस लो एक ही नारा रहना है, हमको ये बताना है कि अवाम से तुम है, तुमसे अवाम नहीं है, अवाम जो है आपकी रैठन, आप खुद एक अवाम के ऊपर चलने वाले एक दरिंदे हैं आप, इसलिए आप गैर कानूनी गलत कानून ला के पब्लिक को तकलीफ़ दे रहे, ये कानून वापस लेना होगा। हर पब्लिक जैसा तीन तलाक के बारे में आई थी रास्ते पे, इसी तरह आज भी पब्लिक को बाहर आना होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आप सबसे ये गुजारिश कर रही हूँ 26 जनवरी को हम सब रैली निकालने वाले हैं, तो आप सब सारे अवाम हम लोगों का साथ दीजिए। सुबह 11 बजे नागवेश्वर स्कूल से ये रैली निकलने वाली है। आप तमाम से ये गुजारिश है कि आप लोग सब एकता होकर हमारा साथ दीजिए, सब शिरकत फरमाइए इसमें। आज गुलबर्गा में एक मुहिम चलाई गई किसान अलियंस मोर्चा और RSK NGO की जानिब से पूरे गुलबर्गे में, हम ये मैसेज देना चाहते हैं ये मुहिम के ज़रिए। ये मुहिम आज पहला मुहिम था मिल्लत नगर में, इस तरह के मुहिम हम हर एरिया में चलाते जाएंगे 26 जनवरी तक। तो हम लोगों का मकसद ये मुहिम रखने का ये है, हम लोग पूरे अवाम में अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं ये काले कानून क्या है, काले कानून के बारे में अवाम को अभी भी जानकारी नहीं है। वो जानकारी देने के लिए आज गुलबर्गा के सोशल एक्टिविस्ट और NGO सोसाइटीज़ वाले मिलकर आज हम लोगों ने अवेयरनेस लाया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम लोग जो 26 जनवरी के दिन परेड निकलने वाला है उस दिन के लिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई है गवर्नमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है फार्मर के ज़रिए जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें नुकसान इतना होगा किसानों का, अगर वो किसानों को बोलेंगे अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो उनका पूरा भरपूर नुकसान होगा, ये नुकसान का एक किस्म का रूप होगा, यानी कि पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके उनके अनाजों में नुकसान निकालेंगे, उनके अनाजों में से हम ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे करके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देंगे, पूरी तरह से APMC को ख़त्म करने का ये सिलसिला चल रहा है। आज यहाँ मिल्लत नगर में जनाब मेरे भाई शेख मोहम्मद नूर ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जो किसान अलायंस मोर्चा की जानिब से NGO की जानिब राफिया शरीन खान की NGO की जानिब से यहाँ अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन यहाँ पे ख़वातीन मौजूद थे जो इस प्रोग्राम को गौर से सुने और इन ब्लैक कानून के बारे में उन्हें बताया गया। तो मैं आपके मीडिया के ज़रिए ये तमाम मुल्क के आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कानून है, ये जो हुकूमत है BJP की, ये सिर्फ डिवाइड एंड रोल की जो सियासत खेल रहे हैं। मैं आपको तमाम आपकी मीडिया के ज़रिए तमाम आवाम को ये बताऊंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कोई कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बना रहे हैं, ये पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ कानून बना रहे हैं ये लोग। हमें इस डिवाइड एंड रोल को समझना चाहिए, सिर्फ किसानों के बोलकर किसानों के ऊपर छोड़ना नहीं चाहिए, सिर्फ मुसलमानों का बोलकर मुसलमानों के ऊपर छोड़ना नहीं चाहिए, माइनॉरिटीज़ का बोलकर ये कानून जितने भी बना रहे हैं पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ बना रहे हैं। ये हुकूमत देश को एक अंधेरे की तरफ धकेल रही है और आज हमारी ज़रूरत है इस मुल्क को बचाने के लिए। तमाम मुल्क के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि ऐसी चोर हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। और हमारे RSK NGO का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम को कामयाब बनाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और 26 तारीख को नगरेश्वर स्कूल से DC ऑफिस तक आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि आप सब लोग एक साथ जमा होकर जो है ना अपने एकता का मुजाहरा करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।